अप्रैल 16, 2023 को जेकब नाम का लड़का अपने रूम में सोए रहता है और अचानक से 12 बजे, जी हाँ रात 12 बजे, उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है उसके बाजू वाले कमरे से। वो जब उस कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी जो दादी का डॉल है, जी हाँ जोकर का, जिसका नाम जेफरी था, वो गिरा पड़ा हुआ रहता। सिर्फ गिरा पड़ा हुआ नहीं रहता, क्या होता है आप क्लिप देखो। आप लोगों ने जैसे देखा, जब जेकब जब क्लाउन को देख रहा था तो वो क्लाउन जो था वो एकदम सीधा देख रहा था, बट जब एक अजीब सी आवाज़ आई और जेकब उसके तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि क्लाउन उसी को ही देख रहा था, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। इस चीज़ से डर के जेकब डिसाइड करता है कि वो इस क्लाउन को जाके अपने बेसमेंट में लॉक कर देगा और वहाँ वो एक बल्ब भी लगाता है और कैमरा भी लगाता है, ये नोटिस करने के लिए कि क्या मुझे वहम हो रहा है, क्या मैंने सच में क्लाउन को देखा है मूव होते हुए। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए जब वो ये चीज़ करता है तो क्या होता है, देखो। जैसे कि तुम लोगों ने इस क्लिप में देखा, जब कैमरा अपने आप मूव हो रहा था तो आपने क्लाउन का वो हाथ भी मूव होते हुए देखा और उसके बाद एक अजीब सी साउंड भी आई, जी हाँ इसके बाद एक अजीब सी साउंड भी आई और उसके तुरंत बाद जो बल्ब होता है एक बड़े से विस्फोट के साथ बंद हो जाता है। अब इतना कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद जेकब ने डिसाइड किया कि वो जो जेफरी है क्लाउन, जी हाँ, उसको अपने बेसमेंट में लॉक करने का ही डिसाइड करता है। और इसके बाद जेकब का कोई अपडेट नहीं आया कि जेफरी के साथ क्या हुआ। आप लोग को क्या लगता है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या सच में ये डॉल हॉन्टेड है, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। जनवरी 23 की शुरुआत में एक महिला जिसका नाम था नैन्सी मालकिन, उसने अपने बच्चे के रूम में कुछ अजीब सी चीजें होते हुए नोटिस की। नैन्सी का कहना था कि वो अपने बच्चे के रूम में इसलिए गई थी इतनी रात को क्योंकि उसका कहना था कि उसने वहां पे वीडियो में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की थी जो उसको वहाँ के CCTV कैमरा में देखने को मिला था।
उसने देखा कि एक अजीब सा जो ऑर्ब है वो उसके बच्चे के खिलौनों से टकरा टकरा के इधर उधर हो रहा है, जो उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा ये देख के। वो सोचे कि ये एक खिलौना है जो दूसरे खिलौनों के साथ टकरा रहा है और गलती से चालू हो गया होगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए जब नैन्सी अपने बेटे के रूम में जाती है तो वो देखते कि वहां ऐसा कोई भी चीज नहीं था। बट वो फिर से जब कैमरा के लाइव फीड को देखती तब वो देखती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी घूम रहा है उसके बच्चे के रूम में। जैसे कि आप लोग इस क्लिप में देख रहे होंगे, नैन्सी सामने खड़े होके उस ऑर्ब को देख रही है, बट जब वो इन पर्सन, जी हाँ, नंगे आंखों से देखती है तब कुछ भी नहीं दिखता। आखिर कैमरा में दिख क्या रहा था? नहीं पता क्यों नैन्सी ने ऐसा क्यों किया, वो उस ऑर्ब से बात करना चालू कर दी और वो बोली कि भैया मेरा हाथ छुओ, और उसके साथ समथिंग इंटरेस्टिंग हुआ और वो जो ऑर्ब था वो उसके हाथ से एकदम दूर चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने ऑर्ब को डरा दिया हो। नैन्सी ने डिसाइड किया वो इस मिस्टीरियस ऑर्ब को थोड़ा सा छोड़ देती है, मतलब इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट वो नोटिस करती है कि वो ऑर्ब है वो फिर भी उसके बेटे के बेडरूम में वहीं वहीं घूम ही रहा था। पर कुछ समय के बाद नैन्सी फिर से जब वो कैमरा को चेक करती है तो वो देखती है कि वो जो ऑर्ब था वो गायब हो गया था। और इसके बाद ये जो मिस्टीरियस ऑर्ब था वो कभी भी नहीं दिखा नैन्सी के बेटे के रूम में। नैन्सी का ऐसा सोचना था ये ऑर्ब को देख के कि ये किसी बच्चे की आत्मा थी जो इसके बेटे के टॉयज के साथ खेल रही थी। और उनका ये भी कहना था कि ये जो मिस्टीरियस ऑर्ब था क्या नहीं पता, बट ये इंटेलिजेंट था क्योंकि वो हर चीज पे रिस्पोंड करता था जो नैन्सी करती थी। आज भी ये अपने आप से क्वेश्चन करते रहती है नैन्सी कि भैया ये जो बॉल ऑफ लाइट है या मिस्टीरियस गोस्ट ऑफ जो भी कह लो, इसके बच्चे के रूम पे आखिरकार कर क्या रहा था। आप लोगों का क्या मानना है कि ये सच में कोई क्रीपी गोस्ट ऑर्ब है या क्या है? Let me know in the comment box. So guys, that is it for today. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोस्ट वाली सीरीज के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी चली तो और बनाऊंगा, मैं प्रॉमिस। चलो बाय, सी या।